अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। और वीकेंड फुल जोशो खरोश से जारी है। अभी उठे हैं जनाब 2 बजे और उठते हमने फिर सोचा कि ईसा का साथ व्लॉग भी स्टार्ट कर ले, और हमने ईसा का व्लॉग स्टार्ट कर लिया। आप पियों के आज हमने टॉप्स बनाए, ईद पे इन्होंने उतारे थे और अब पहनाए हैं, और आप ही अब्रिश ने घुमा लिया था, फिर सारा दिन लग के हम लोगों ने ढूंढा और फिर हम अपने काम पे वापस आ गए। यहाँ ईसा पूरी मेहनत के साथ ढूंढवाने के बाद, आप ही की कोली बंद करवाने के बाद, फिर दोबारा अपने कार्टून में मशगूल है और फुल जिद पे है। और सारा दिन जो भी करेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ से अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 गो स्टार्ट। चाय से स्टार्ट करते हैं, देख लो इतनी गर्मी में भी हमें चाय याद रहती है। को दिखाते हैं पिकबू। बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ मेरा बच्चा देख रहा है अपने कार्टून, क्योंकि आपियाँ और अम्मा तंग बहुत करती हैं, जलील करके रखा हुआ है मेरे बच्चे को। सो क्यूट, माशाल्लाह। बेटा चेक करें किधर, ये मेरी कबट के दरमियानी जगह है, वहाँ पे ना हमने जो नीचे बिस्तरा बिछाया होता है ना वो इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि झाड़ू ना फेरना था, ये कारपेट पे सफाई होनी थी रूम की, तो उसके ऊपर बैठा है जाके इतने प्यारे अंदाज में माशाल्लाह अपना टैब लेके। तो जनाब वीकेंड बच्चों का शुरू हो गया, सुबह से मस्ती थी फुल, अंदर भी अभी उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि जो हमने ना जब वीकेंड पे गए थे वेकेशन पे, वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ते में जो अचार वाली आलू की भुजिया खाई थी ना वो बना दे, तो अचार वाली आलू की भुजिया तो नहीं बना रही क्योंकि ईसा भी साथ खा रहा है। मैं आलू की भुजिया ना बना के उसमें थोड़े से अंडे मिक्स करने लगी हूँ, तो कुछ उसी तरह का बना दूँगी क्योंकि ईसा भी खा सके। ईसा का हर चीज़ में हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो चले बनाते हैं। तो जनाब इधर तक हम लोग ने कम्प्लीट कर ली है। इसके अंदर ना रेड मिर्च नहीं डालनी थी और ना ही डलती है। मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और एक लाल मिर्च जो है ना वो कूट के डाली है, और कूटते हुए ना मेरी गाल पे कहीं वो दाना सा लग गया, और उधर उस दाने जहाँ पे वो गिरा है ना उधर जलन हो रही है मुसलसल। तो ये है मेरी कुकिंग का अंदाज़, जिसमें अपने आप को ही चोट लगवा लेना, तो आप लोग इस तरह एहतियात से काम किया करें। अच्छा बाकी अपने से हल्का से धीमी आंच पे, मैंने ये पता क्यों टमाटर बड़े काटे हैं, ये देखें इसका छिलका थोड़ी देर और ये नरम होगा, छिलका उतर जाएगा, ठीक है, और सिर्फ वो रह जाएगा इसका जो मटेरियल अंदर वाला होता है, इसका नुकसान तो भी नहीं होता टमाटर। निकाल ठीक है, इसे हम हल्का सा उस पर हल्की सी आंच पे रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए, आलू नरम हो जाए, और फिर इसके अंदर हम डाल लेंगे अंडे और फिर साथ बनाएंगे बच्चों के लिए पराठे। और टाइम पता क्या हुआ है, दोपहर के 4 बज रहे हैं बच्चों ने, अब फरमाइश चेक करें, हमने उस टाइप का नाश्ता करना है अम्मा, हमें सुबह वाले नाश्ते का मज़ा नहीं आया। तो चलो जी चलो, सुबह बाबा आलू के पराठे होते, पराठा नान होता है आलू वाला, वो लेके आए हैं, बस वो अपनी मर्जी से नहीं खाया, ये देखे ना ये उतर जाएगा इसका ही। हम लोगों ने तो जुगाड़ वाली हड्डी बना रहे हैं जी, मेरे बच्चों को जो पसंद है, क्योंकि नहीं पड़ती है ना। तो मैं अंदर आई हूँ तो मेरा शहजादा सो गया, मैं इसके कपड़े चेंज करके गई थी कल भी, है ना, सारा दिन मेरा दिल नहीं किया था कि मैं इसे तंग करूं क्योंकि चोट लगी हुई थी, माशाल्लाह वैसे अब चोट तो काफ़ी बेहतर है, तो सो गया खेलता खेलता। अभी मैं 5 मिनट पहले गई थी तो खेल रहा था, वापस आई हूं तो मुझे पता लगा सो गया है। तब हम बाकी अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, तब तक मेरा शहजादा सो रहा है और बाकी आपियाँ अपना फुल वीकेंड सेलिब्रेट कर रही हैं, वो अपने कोई तुर्किश ड्रामे देख के आजकल के बच्चे। तो ये जनाब मेरी ना बन गई आलू की भुजिया, और मैंने इसके अंदर अंडे भी डाले हैं, ठीक है,
देखने को शक्ल बहुत अच्छी लग रही है। बच्चे अब बताएंगे कि कैसे बनी है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं पराठे बनाऊंगी साथ, बलों वाले तो नहीं बनाऊंगी, गर्मी बहुत है, लेकिन सिंपल पराठे बनाऊंगी साथ, क्योंकि फरमाइश है जनाब, और घंटा डेढ़ मुझे लग गया इसे बनाते हुए, गर्मी इतनी है। चलो कोई ना, बच्चों के लिए मैं भी खाऊंगी साथ। तो जनाब ये हमारी रोटी प्लस पराठा तैयार है। मेरे बच्चे इस वाले पराठे को, अम्मा वो जो रोटी वाला पराठा आप बनाते ना, वो बनाइएगा, बलों वाले को बलों वाला बोल पराठा बोलते हैं सही। ये लीजिए जी, मैंने सर्व करने के लिए भी तैयारी कर ली है बच्चों के लिए। ये पराठे बन गए हैं बच्चों के साथ। मैं सोच रही हूँ कि मैं रायता मिंट वाला बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा इसके साथ ना। तो अभी तक तो कोई इरादा नहीं है मेरा, अंदर जाके देखती हूँ थोड़ा सा अपना मूड ठीक हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, तो कोई सोच रहे कि चलो बच्चों को सरप्राइज़ उनका देते हैं कि बच्चों बन गया खाना आपकी मर्ज़ी का। माशाल्लाह मुझे अपनी तरबियत पे और अपनी बेटियों पे फ़ख्र है, फ़ख्र है मेरी औलाद मेरे लिए। देखा मैंने उनके लिए खाना बनाया तो उन्हें पता था कि अम्मा को चाय की नीड है, वो खाना खाते ही फ़ौरन मेरे कहे बग़ैर मेरे लिए चाय ले आई। माशाल्लाह बस यही तो चाहिए होता है। अब मैं इमोशनल हो जाऊंगी इससे पहले, आप माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा सारे। अल्लाह ताला मेरी बेटियों के, मेरे बेटे के नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह ताला हासदीन की नज़रों से मेरे बच्चों को छुपा के रखना। अल्लाह ताला अल्लाह ताला मैंने अपने बच्चों को तेरे हिफ्ज़ व ईमान में दिया, और हर माँ को मेरे जैसी नेक और सहले औलाद अता फरमाना। आमीन आमीन। लिपस्टिक लगवाई, कितनी वाली लगी है देखो, लिपस्टिक लगा रहे हैं। नहीं दोबारा लगाई, दोबारा लगाई, मुंह देखना कितना प्यारा बंद करता है। दर्शी लगा, दर्शी लगा, देख सके पहले बाद में। इसा इसा कितनी वाली लगी। इसा जुए निकलवाता हुआ, नहीं जी हमारा भाई बहुत साफ है। इसा के कंघी फिर रही है क्योंकि खारिश कर रहा है दो दिन से, और हमें डर रहा है कि कहीं इसके कहीं जू ना डल गई हो। घर में तो हमारे किसी के जू नहीं है माशाल्लाह, मेरी बेटियों के इतने लंबे लंबे बाल है, लेकिन हमें डर रहा है कि कहीं ईसा के जू ना डल गई हो। चेक करें बाबा ईसा के अच्छी तरह कंघी फेरते हुए, क्योंकि हमारे तो हाथ आता नहीं, हमें तो समझता ही कुछ नहीं है ईसा। चल सब बस हो गई इसकी। तो यही अपने ब्लॉग का हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ कह दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह दो, अल्लाह हाफिज़ भी ईसा की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ईसा की तरफ से अल्लाह हाफिज़ भी मान। अल्लाह कल मुलाकात होती है नए ब्लॉग के साथ। ईसा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।